ये हाइड्रोजन 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 फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या गया सी एफ थ्री बोन लेंथ लिख देता हूँ। इसकी बोन लेंथ मान लो डी वन, इसकी मान लो डी टू, इसकी मान लो डी थ्री और इसकी मान लो डी फोर। अब मुझे बताओ कि बोन लेंथ कैसे कंपेयर करोगे? कुछ नहीं करना, सिंपल देखो। इसमें देखो एस फाइव और फाइव कौन से? अब देखो ये हमारा फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन की टेंडेंसी सब में बढ़ रही है, इसका मतलब फ्लोरीन क्या चाहता है? वो तो बिल्कुल पी कैरेक्टर चाहता है, एस कैरेक्टर को दो बताते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ये फ्लोरीन क्या करेगा? जो ये बोन प्रेजेंट है इसमें एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा कि नहीं मुझे एस कैरेक्टर नहीं चाहिए। अब जो यहाँ से एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे होंगे वो इन तीनों बोन में इंक्रीज हो रहे होंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे हमारी बोन लेंथ कम होती चली जाएगी। यहाँ पे तो एक फ्लोरीन था, अब भाई साहब यहाँ पे तो दो फ्लोरीन आ गए, अभी दोनों फ्लोरीन मिलकर क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को इस बोन में कम कर रहे होंगे और इस बोन में कम करेंगे तो इन दोनों बोन में हमारे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे। और यहाँ पर तो तीन फ्लोरीन है भाई साहब, तो ये तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे? अपने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तीनों मिलकर क्या करेंगे? अपने डिक्रीज और सारे सारे एस कैरेक्टर क्या डालेंगे? इस बोन में डाल देंगे, ठीक है भाई, भर के मजे ले एस कैरेक्टर से। और तुम्हें पता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इनवर्सली पर पूछा होता है बोन लेंथ के, तो सबसे ज्यादा बोन लेंथ क्या है इसमें तो फिक्स रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा बोन लेंथ क्या होगी? तो इसी वजह से डी वन की बोन लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर हमारी डी टू की होगी, फिर हमारी डी थ्री की होगी और हमारी फिर डी फोर की होगी। होगी या नहीं होगी? होगी, सिंपल है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि यहाँ पे एंगल है थीटा वन और यहाँ पे एंगल है थीटा टू और यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में एंगल है थीटा थ्री और यहाँ पे तो छोड़ दो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री के बीच में आपको कंपेयर करना आ जाए कि कौन सा एंगल बड़ा होगा तो कैसे कंपेयर करोगे? रूल तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी अप्लाई करके क्वेश्चन करा सकते हो पिछले वीडियो में बनाया था। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे पता करोगे? सिंपल सोचो, थीटा वन छोड़ो, थीटा टू थीटा थ्री में कंपेयर कर। अब इसमें क्या फ्लोरीन में से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होगी, इन बोन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगी। अब जब इन दोनों बोन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बढ़ने से हमारा बोन एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होता है बोन एंगल के। अब ये यहाँ पे दो फ्लोरीन जुड़े और ये दो फ्लोरीन दो एंगल में ये जो है बोन लेंथ है, इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा इंक्रीज करने से फिर थीटा थ्री क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोन में बढ़ेंगे वो इतना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से हमारा थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हमारा अगर बेंगल की बात करो तो थीटा थ्री ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन होगा। कर लोगे या कोई दिक्कत है? सिंपल सी है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर करोगे तो मोड़ेंगे से लगाओगे वो तभी लगेगा जब तुम्हारा हाइड्रोजन फ्लोरीन प्रेजेंट। ठीक है, तो कर ले। अब मैं और क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये तो मैं मिटोर रब कर रहा हूं इनको, अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए चीजें कि तुमने साइड में लिख ली और देख देख के कर रहे हो। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर टू, सी एस थ्री डी वन, करो एक बार खुद से ट्राई करो, सी एस टू एफ सी एस टू एफ डी टू सी एच एफ टू सी एच एफ टू डी थ्री सी एफ थ्री डी फोर सी एफ थ्री, कंपेयर करो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, डी वन डी टू फ्लोरीन फ्लोरीन डी थ्री, बताओ कैसे कंपेयर करोगे? देखो सिंपल, कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, D1 वन प्रेजेंट, डी वन बोन लेंथ है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें उठा के देख लो, ये क्या है फ्लोरीन। जितने ज्यादा फ्लोरीन आएंगे वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे तो इस D4 जो ये बोन्ड है इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे। तो जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो बोन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे साइड आइटम फ्लोरीन इंक्रीज होते चले जाएंगे हमारी बोन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज। तो अगर मैं इसका ऑर्डर अरेंज करूँ तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? डी वन की बोन्ड लेंथ, फिर किसकी आ जाएगी? डी टू, फिर क्या इसकी आ जाएगी? डी थ्री, और फिर किसकी आ जाएगी? डी फोर। कर लोगे? सिंपल। अब इसमें देखो, D1 है, अब देखो ये क्या है परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये फ्लोरीन है, ये इधर से क्या करेगा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसे यहां पर तो दो दो फ्लोरीन आ गए, तो दोनों फ्लोरीन आने से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में क्या हो जाएंगे? बहुत हाईली इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं ऑर्डर अरेंज करना चाहूं तो सिंपल है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन होंगे वो पहले आएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा? डी टू आ जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? डी थ्री आ जाएगा। ऐसे ही अगर और क्वेश्चन दे दो, कितने हो गए? तीन क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे तुम्हें नाइट्रोजन के क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर फोर, सेम क्वेश्चन है, डी वन नाइट्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन डी टू चलो इसका ही कर लो डी थ्री।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 D3 बताओ क्या होगी। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज करेगा और इस बोन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे तो चार चार फ्लोरीन है तो इस बोन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब बोन लेंथ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। और जब डिक्रीज कर देगा तो हमारा बोन लेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा, D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें अब तुम फिर से सोचोगे कि सर क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना। साइज देखो, साइज देखो, साइज ये क्या है 2p का, ये क्या है 3p का, ये क्या है 4p का। तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो, जब साइज आ जाए तो साइज को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे अब फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं देखना कि इसमें तो फ्लोरीन है, तो साइज प्रेफरेंस करोगे तो हमारा D3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर D2 हो जाएगा और फिर हमारा D1 हो जाएगा। तो बोन लेंथ का कंपेयर आ जाए या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बोन लेंथ का, उसमें क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें एक मॉलिक्यूल बोन एंगल का रिलेशन देके बता दूं, जैसे तुम्हें मैं एक कंपेयर करना दे रहा हूं बोन एंगल का एस करेक्टर के बेसिस पे, ये मॉलिक्यूल मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, इनके बीच में एंगल है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। बताओ क्या क्या कैसे कंपेयर करोगे तीनों को। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे भी क्या दे दो हाइड्रोजन, θ1 θ2 θ3। बताओ क्वेश्चन तो इसी टाइप के भी आ सकते हैं ना, तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, अरे एक क्वेश्चन तीसरा और देखो कैसा दो तुम्हें, लाइक सपोज करो कि तुम्हारे पास ए एटम है, चलो ए एटम से ही समझा रहा हूं। या दो दो बॉन्ड ले लो, दो दो बॉन्ड में ज्यादा सहूलियत रहेगी, ठीक है। θ1 इसमें, θ2 इसमें, θ3 θ4 θ5 और ये θ6। कोई भी एग्जांपल भी दे सकते हो, इसमें BF3 लिख सकते हो, इसमें कोई सा और मॉलिक्यूल लिख सकते हो, CO2 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में कोई सा N ले सकते हो, यहाँ पे NSB3। तो मैं AB मॉलिक्यूल में बता रहा हूँ इस सारा कंसेप्ट। बताओ पहले तो इसका अरेंज करो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन अपने बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज करेंगे, और जब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज करेंगे तो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होगा और इस बॉन्ड में भी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज करने से इन दोनों में क्या हो जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल फूल जाएगी, और फूलने से क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो हमारा जो θ3 होगा वो ग्रेटर होगा। अब बात करें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में और ये दोनों फ्लोरीन के बीच में, कम से कम इसके पास तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, इसके पास नहीं है, इनमें तो दोनों के पास नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा θ2 ग्रेटर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा θ1। लो सिंपल कंपेयर है, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें बात करो, अब इसमें तो भाई एस और नॉन फाइल, ध्यान रखना मैंने क्लोरीन को एस नॉन फाइल नहीं बोला था, सिंपल है, ध्यान रखना इस बात को। जब तुम्हारे पास फ्लोरीन होगा या नाइट्रोजन के साथ कोई फ्लोरीन या सल्फर कोई एटम जुड़ा होगा, वही हमारे एस नॉन फाइल होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया भाई, साइज ज़्यादा हो गया, और साइज ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे NBPER का रोल हो गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें समझाया था। जिसने नहीं देखी होगी एक बार फिर से देख लेना बोन एंगल वीडियो फर्स्ट तभी। अब अगर इसमें θ1 θ2 θ3 है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से θ1 ग्रेटर हो जाता है। अब ग्रेटर होने के हो गया, अब जितना ज़्यादा ये थीटा खुलेगा तो इतना ही ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा, भाई इधर से ये रिपल्शन कर रहा होगा, इधर से ये कर रहा होगा। तो अगर मैं कंपेयर करने की बात करूँ तो θ3 सबसे कम होगा और उसके बाद क्या जाएगा θ2, तो हमारा पहले θ2 आएगा और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा θ3। लो भाई
ये भी कंपेयर होगा। हर टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये है, ये है, एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई समझदार सा लड़का होगा या लड़की होगी वो चीज़ें समझ जाएगी और कैच कर जाएगी। अब कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या कहा था कि रिपल्शन करते हैं, लोन पेयर होते हैं, एस करेक्टर इसमें प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी एस करेक्टर प्रेजेंट होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अगर इनमें थीटा की कंपेयर करने की बात करें तो तुम्हें पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब जब तुम परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाओगे, देखो ये पे क्या है, ये क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने की वजह से इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल फूलेगी, और फूलेगी तो ये इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्शन क्रिएट करेगा। होगा क्या कि जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड एस करेक्टर खींचेगा तो ये थीटा थ्री तो इंक्रीज होगा भाई, ये देखो ये तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, और थीटा टू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही हमारा थीटा फाइव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और थीटा फोर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस केस में भी सेम होगा, इस केस में भी थीटा वन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर से ये रिपल्शन दिखाएगा, इधर से इस तरीके से ये रिपल्शन दिखाएगा। दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। अगर इनके कंपेयर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों एक sp2 हाइब्रिड में होंगे, तो ये थीटा सिक्स क्या होगा, 120 एंगल पे प्रेजेंट होगा, तो ये 120 हो गया। अब सिंपल देखो, सब में तीन है। अब ये जो थीटा थ्री है वो थीटा फाइव है और इसमें वन बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन दिखाएगा इस थीटा थ्री और थीटा फाइव और थीटा सिक्स को इंक्रीज करने में? भाई ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा दिखाएंगे, तो जब ज़्यादा दिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा एंगल आ जाएगा थीटा थ्री का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कौन सा ज़्यादा रिपल्शन दिखाता है, तो लोन पेयर हमारा ज़्यादा रिपल्शन दिखाता है, तो हमारा इसके बीच में एंगल का नाम दे देता हूँ मैं, दिया नहीं ना सिक्स, तो इसका एंगल ले लो थीटा सेवन, तो इसका, अच्छा सॉरी, इसके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं दिखाता, अगर एंगल हो तो ये ज़्यादा रिपल्शन करता है, इसको ज़्यादा डिक्रीज करता, तो यहाँ पे तो कोई थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा सबसे ज़्यादा एंगल किसका आ जाएगा, थीटा थ्री। फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, थीटा फाइव, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, थीटा सिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में कि थीटा वन, थीटा टू और थीटा फोर को कैसे कंपेयर करोगे। अब देखो थीटा थ्री, जब ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये ज़्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, तो इसके केस में तो सबसे कम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो लोन पेयर है वो ज़्यादा रिपल्शन दिखाता है और इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, तो हमारा जो थीटा फोर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, थीटा वन से, और सबसे लास्ट में हमारा कौन आ जाएगा, थीटा वन आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट खत्म हुआ। या तुम्हें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि इस तरीके से बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे तो वो भी तुम इजीली कर सकते हो, तो उसमें कोई नहीं है। जैसे मैं तुम्हें NF3 का मॉलिक्यूल दे दूँ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर हो गया, ऐसे ही मैं तुम्हें बोल दूँ कि यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, इसकी बॉन्ड लेंथ है D1 और इसकी है D2, तो बताओ क्या होगा। या इसी के साथ में NCl3 भी दे देता हूँ, ये क्लोराइड हो गया और ये D3 है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सिंपल सा ध्यान रखना, जब क्लोराइड आ जाए तो साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया तो इसका मतलब D3 सबसे ज़्यादा हो गया। अब D1 और D2 में तुम्हें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ के केस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, और फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो इस लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, सिंपल सी है। और जब यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो जो हमारी फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी किससे, D1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी D2 ग्रेटर देन हो जाएगी D1 से। अगर इन्हीं के बीच में मैं थीटा की कंपेयर करने की बात करूं, सपोज करो इसको थीटा 1 दे देता हूं, इसको थीटा 2 दे देता हूं, और इसको थीटा 3 दे देता हूं, बताओ कैसे करोगे। अब थीटा की बात करूं तो थीटा 1 तो जीत जाएगा क्योंकि इसमें NBPR लग रहा है, तो हमारा थीटा 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर 1। तो ऊपर का रफ करके बता रहा हूं मैं कंसेप्ट, देखो तो हमारा थीटा 1 जीत जाएगा क्योंकि NBPR लग रहा है, तो थीटा। अब इन दोनों में कुछ नहीं करना, एस करेक्टर करो लगाओ, इसमें जब एस करेक्टर डिक्रीज होंगे तो इसमें एस करेक्टर इंक्रीज होंगे, तो एस करेक्टर डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो थीटा 2 होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, थीटा 3 से।
तो आई होप तुम्हें अब सारे कंसेप्ट बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड अब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को देखा होगा, वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में भेजो, उन्हें भी पता लगे कि हाँ ये कंसेप्ट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेंगे। क्योंकि मैं जो भी कोई कंसेप्ट उठाता हूँ या 15 मिनट का कोई भी एपिसोड आ रहा है हमारे चैनल से, वो एक ना एक अच्छे कंसेप्ट को लेके आता है। तो जितना शेयर हो सकता है चीज़ों को शेयर कीजिए, या किसी प्रॉब्लम में आ रहे हो या तुम कहीं फंस रहे हो किसी कंसेप्ट में, तो कमेंट सेक्शन में हमें करके बताइए कि हमसे ये चीज़ें नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है।